लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे ठाकुर जी राधिका एकदम थी चौबू की दादी को भी पागल दादी को भी सहन करना पड़ेगा। माँ माय बैग ऑफ यू मुझे प्लीज आने दीजिए। माँ मायके वालों ने भी मना कर दिया तो को का करे। आ गई ना असलियत सामने। मृणालिनी जी आपकी हालत तो ऐसन हो गई है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये छोरी को अगर यहाँ रहना है मोरे घर में रहना है तो विधवा बन के रहना पड़ेगा। नहीं अम्मा मैं विधवा नहीं हूँ मैं सुहागन हूँ मेरे पति जिंदा है। अरे बिरजू बेटा पानी लाओ पानी लाओ। बेटा माजी का ध्यान रखना मैं वैद्य को लेकर आता हूँ। दादी माँ भैया अंदर लेकर चलिए ना। अम्मा जी आपको समधन जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी और मैंने आपसे कहा था अम्मा जी कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है उनके सामने ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। अब उनकी तबीयत और बिगड़ गई तो हम क्या करेंगे क्या मुंह दिखाएंगे संध्याने को। अच्छी नौटंकी है। अगर ये सब ऐसा चला ना तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहेंगी। बात करे दीपिका। अरे खाना काहे नहीं दिया अभी तक खाना दो ना। सर धीरे बोलिए ना। अब धीरे काहे बोले हम। वो दादी माँ की तबीयत फिर से खराब हो गई है। अब क्या दादी माँ का हो गया फिर से दौरा पड़ा है। सुनिए ना जी जरा धीरे बोलिए ना बगल के ही कमरे में सब हैं। धीरे बोले लगा रखे खाना दीजिए चलिए। वो खाना तो नहीं बना। नहीं बना काहे। वो शास्त्री जी कुछ लाने गए हैं जैसे ही लाएंगे हम तुरंत बना देंगे। एक तो पसीना ऊपर से शास्त्री जी का ड्रामा यहाँ पे। घर में कुछ नहीं खाने के लिए। थोड़ा बहुत तो है पर वो हम सबके लिए काफी नहीं होगा जी। हाँ ये सबके लिए शास्त्री जी की वजह से हमको भूखा रहना पड़ेगा। हवा खा रहे हैं। काम करिए वृंदावन भोजनालय ढूंढ लीजिए यहाँ तो सब हंठन गोपाल है। पर भोजन पकने में देरी है। पकने में देरी है। पकने में देरी तब होगा ना जब भोजन होगा। हम अपने कानों से सुन के आ रहे हैं खाली डब्बे पड़े भिखारी लोग हैं कले। एक काम करो चलो चलते हैं अपने आगरा वाली कोठी में चल के आराम से रहें। चलो एक मिनट हमारे बारे में फिर भूल गए ना आप। राजपुरोहित का क्या। अरे 5 साल बाद तुम ही राजपुरोहित बनोगे अर्जुन। ए बाबू वापस नहीं आने वाले और इस घर में और तो कोई मर्द है नहीं। विवेक बाबू की जिंदगी तो हाँ। इसी में गुजर जाएगी। फिलहाल निकल चलो। अबे एक मिनट कंफ्यूज कर दिया हमको। अगर भागना ही था यहाँ से तो आए क्यों थे यहाँ पे हम। जानते थे तुम ये सवाल जरूर करोगे
सब सोच समझ कर चल रहे हैं बेटा, बाप है तोरे बाप। देखो अगर हम दिल्ली से डायरेक्ट आगरा चले जाते तो ये पूरा कुनबा हमारे साथ चिपक जाता, हमारी परेशानी और बढ़ जाती। इसलिए इनको वृंदावन लाना बहुत जरूरी था। अब ये लोग यहाँ टिक गए हैं ना, हम मौका देख करके यहाँ से अलग होने ही वाले हैं, बस मौका आ गया, समझ गया? अरे वाह, दूर की सोचता है। बुला भौरिया को बुलाओ, चलो। हाँ दीपिका, बाबूजी और हम जा रहे हैं, आ जाओ बाहर। चलो जल्दी करो। जा रहे जी? सुशील बाबू, ये इस समय कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं आप? आइए महानुभाव, हमको आज्ञा दीजिए, आपका हमारा साथ यहीं तक था, हम जा रहे हैं अपनी पुश्तैनी हवेली में, आगरा वाली कोठी में। सुशील चाचा जी, ये आपने अच्छा कहा, हम सब लोग भी आपके साथ चलते हैं। वैसे भी हम सब लोग छोटी बहू के यहाँ कब तक रहेंगे? आप तो हमारे अपने चाचा जी हैं, आपका घर हमारा अपना घर। हाँ बेटा, हमारा घर तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर हमारा घर है, इसमें कोई दो मत नहीं। पर विवेक बाबू कहा है ना, इतने सारे लोग एक कोठी में जाके रहेंगे ना, तो सबके लिए असुविधा हो जाएगा, समझ गए? तो ये अर्जुन, दीपिका और हम वहां रहते हैं, बाकी आप सब लोग यहाँ, ठीक है ना? सुशील भैया, इससे बड़ी असुविधा और क्या हो सकती है कि हम यहाँ अपनी बहुरानी के घर पे रह रहे हैं। समधन जी, आप ये क्या कह रही हैं? इसे आप अपना ही घर मानिए। एक मिनट शास्त्री जी, भाभी जी, ये तो जग जाहिर है कि सारा बखेड़ा इनकी बेटी की वजह से हुआ है, इनकी बेटी के कारण हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। ऐसे में अगर ये कुछ दिन आपको आश्रय दे देंगे तो कोई उपकार नहीं करेंगे आपके ऊपर। और चाचा जी, नहीं भी भाई, रहने दो, ये सिर्फ सुख के साथी थे हमारे, आज दुख में तो पहचान हुई है इनकी, रहने दो। ये क्या बात हुई भाभी जी, इतना बड़ा बात बोल दिया आप? अरे हम तो व्यवहारिक बात कर रहे हैं भाभी जी। ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारा ही तो परिवार है, इस मुसीबत की घड़ी में इनका साथ इस तरह से छोड़कर जाना ठीक नहीं है जी। बाबूजी सही कह रही है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। तुम एक काम करो, तुम इन लोगों के साथ में यहीं रुक जाओ। चलिए बाबूजी, ये नहीं आएगी। सुनिए, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? मेरा संसार तो आपके साथ ही है। संसार हा? समझ गई बाबूजी, बहुत जल्दी। चलो अब अर्जुन, रुक जा अर्जुन, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ हाँ बिल्कुल चलिए। एक मिनट अर्जुन, तुम कहाँ जाके करोगे बड़ी बहू? अरे वहां जाके हम क्या करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे खर्चे के लिए, हमको खुद को नहीं मालूम। देखो ये तो तुम्हारी पत्नी है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती, पर मिलानी, मिलानी जो है विवेक बाबू की पत्नी है तो उनको अपने पति के साथ में रहना चाहिए, समझा? हमारे साथ जाने का कोई मतलब नहीं बनता दिन दुनिया के हिसाब से, समझा? चलो दादी माँ अंदर अकेली है, मैं जाकर उनके पास बैठती हूँ। हमारे आतिथ्य में अवश्य कोई त्रुटि रह गई होगी, इसी कारण सुशील बाबू यहाँ से चले। आपके आतिथ्य में कोई कमी नहीं रही, शायद ये लोग आपके आतिथ्य के काबिल ही नहीं थे। जैसी प्रभु इच्छा। समधन जी, मैं बैद जी के घर कह के आ गया हूँ, वो बस आते ही होंगे। आइए बैठिए, आइए। कहीं माँ जी ने
राधिका की विधवा होने वाली बात सुन तो नहीं ली होगी ना? पता नहीं माँ। आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं और वैद्य क्यों आए हैं? माजी तने का आपका स्वास्थ्य नरम था। मैं ठीक हूँ। मेरा सर क्यों दुख रहा है? सर दुख रहा है आपका? वो माँ जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए तो देखिए ना वैद्य जी आए हैं। राधिका देव नहीं आया। तुम तो कह रही थी आ जाएगा। दादी माँ मैंने आपसे कहा था ना, उनका फोन आया था, उन्होंने कहा है जैसे उनका काम खत्म हो जाएगा वो आ जाएंगे। हाँ हाँ याद है मुझे, तुमने कहा था। इसे एक एक घंटे पे एक एक पुड़िया दे देंगे जी। ठीक है जी। और आप लोग जरा सा मेरे साथ बाहर आइए जी। हालत तो बहुत चिंताजनक है वैद्य जी। दादी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? दिन ब दिन उनकी स्मरण शक्ति कमजोर होती जा रही है। हाँ वैद्य जी, उन्हें कुछ भी स्मरण नहीं रहता। यहाँ तक कि कुछ समय पूर्व उनके साथ क्या हुआ था ये भी स्मरण नहीं रहता। उनका इस तरह से एक एक बात भूलना और कुछ भी याद नहीं रहना बहुत चिंता की बात है। दरअसल पोते के चले जाने की वजह से माँ जी को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। बुढ़ापा है, दिल की बीमारी भी, उस पर से पोते का इस तरह चला जाना वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही। स्थिति बहुत नाजुक है और जैसा कि आप लोगों ने बताया उन्हें कुछ याद भी नहीं रहता है, उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। तो वह जी आप जल्दी से इलाज शुरू कीजिए ना। अगर इनका इलाज मुझसे संभव होता तो मैं जरूर कर देता। इनके इलाज के लिए आपको कहीं दूसरे जगह जाना होगा। किसके पास वैद्य जी, आप हमें बता दीजिए ताकि हम दादी माँ को लेकर जा सके उनके पास। आप लोगों को आगरा जाना। आगरा? वहाँ एक बहुत नामी राज वैद्य है वेद प्रकाश जी, आप उनके पास जाएं, वो इनको ठीक कर देंगे। अच्छा अब मैं चलता हूँ। राधिका तो कह रहे हैं कि दादी माँ को लेकर आगरा वाले वैद्य जी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी हालत में दादी माँ को आगरा तक लेकर जाना तो संभव नहीं है। मैं आगरा जाऊंगी। मैं आगरा जाऊंगी, वहां से वैद्य जी को लेकर आऊंगी। तुम उचित कह रही हो बेटी, आगरा जाना ही होगा। तो मेरे साथ चलो, मैं चलने का प्रबंध करूंगा। अल्लाह, मंदिर का इतना सारा काम पड़ा है, मंदिर का काम छोड़ के तू कहां आगरा में वैद्य जी के पीछे भागेगा? कोई जरूरत ना है जावे। अम्मा जी सही कह रही है शास्त्री जी, आपके ऊपर पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और वैसे भी सिर्फ वैद्य जी को लाने ही तो जाना है ना। मैं और बिरजू चले जाएंगे। बिरजू जी। लेकिन माँ जी आप कैसे जाएंगी? अम्मा सही कह रही हैं, बाबूजी को यहाँ मंदिर के बहुत सारे काम हैं। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं अकेली आगरा चली जाऊंगी और यात्रा लंबी भी नहीं है,
सुबह जाऊंगी और शाम को वापस आ जाऊंगी। आप क्या कह रही हैं भौजी? अरे आप अकेले कहाँ जाएंगी? आप जहाँ भी जा रही हैं हम आपके साथ चलेंगे। बिरजू बेटा तुम यहीं रुको। अम्मा मुझे अपने कर्तव्यों का बोध है। समधन जी मैं आगरा से भली भांति परिचित हूं, अनेकों बार जा चुका हूं, एवं आप लोग चिंता न करें, सब कुशल होगा, प्रभु सब भली करेंगे। राधिका बेटा तुम मेरे साथ चलने का प्रबंध करो। जाइए माँ जी को देखिए आप लोग। अम्मा आपसे एक विनती है, भविष्य में इस प्रकार का कोई भी वार्तालाप अथवा कार्य ना करें जिससे कि पुरोहित परिवार को दुख पहुंचे। वे हमारे बड़े ही निकट के संबंधी हैं, पुत्री के ससुराल वाले, कम से कम इस संबंध का मान तो रखें अम्मा। और वैसे भी कितने घोर संकट में है वो, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है उन पर। हम उनका कष्ट तो दूर नहीं कर सकते, परंतु उनका कष्ट बढ़े ना इतना तो हम कर ही सकते हैं अम्मा। मैं कल प्रातः जा रहा हूं और आशा करता हूं कि मेरी अनुपस्थिति में आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगी जिससे कि पुरोहित परिवार को कष्ट पहुंचे, दुख पहुंचे। यही बच्चों है, कभी मनहूस छोरी से कछु सीखो या अपने बेटे से कछु सीखो, यही बच्चों है। जानती हूँ काना, वो जीवित है, मेरे भरोसे को टूटने मत देना। वो जहां कहीं भी है उन्हें सकुशल घर वापस ले आना। राधिका बेटा मैं रिक्शा ले आया हूँ, शीघ्रता करो, विलंब हो रहा है बेटा। जी बाबूजी। राधिका बिटिया, इसमें रास्ते के लिए कुछ फल वगैरह बांध दिए, तू भी समय से खा लेना और अपने बाबूजी को भी खिला देना। जी माँ। अच्छा देवकी जी हम चलते, माँ जी का ध्यान रखिएगा। चल बेटा। अच्छा बेटा अरे हट, सुबह
सुबह सुबह अपशगुनी के दर्शन हो गए। कहा है ना तो उसे, कहा है ना कि अपनी मनहूस शक्ल मुको सुबह सुबह ना दिखाइयो। अच्छे भले भगवान के दर्शन करके आए रहे, विघन डाल दियो। अम्मा क्यों प्रातः से ही कोस रही हैं बेचारी को? आपकी पोती है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इसके लिए ना करें अम्मा। वाह लल्ला वाह, बचपन से ही जुबान ने तो कोलोरी सुनाई के बड़ों की हो है। अब वही जुबान को तू शब्दन के प्रयोग सिखावे को। वाह, और वो भी पराई छोरी के लिए। मुँह से ही छोरी के नखरे ना सह जाएंगे तो उसे सह जाते हैं तो सह। चल जा छोरी। चलिए बाबूजी, बस छूट जाएगी। जाना छोरी, जा निकल यहाँ से। अच्छा संदीप जी, आते हैं। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मुंह लटका के का खड़ी है? जा जाके मोरे जलपान की व्यवस्था कर। भैया गणेश, आगरा की बस पकड़ना, बस अड्डे चलो जल्दी। बैठिए शास्त्री जी, बस निकलने से पहले पहुंचा दूंगा। हाँ चलो। हम लोग आगरा पहुंच गए हैं, बस थोड़ी ही देर में हम अपने घर पहुंच जाएंगे।